ओम शांति। 13 जून 2024, साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पहले हर एक ये मंत्र को कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। पाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, भारत की सेवा करते, तुम उन्हें बताओ, श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला पहला सबक अर्थात पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भव। यह है संस्कृत अक्षर। बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले ही उनको अलफ पढ़ाना, जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है, और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको ये पाठ सिखला, शुरू ही वहां से करना है, अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतु प्रधान बनना है। सबक में सब बातें आ जाती, सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है, ये बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं, माम एक कम याद को आत्मा तो बेड़ा पार है, याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। ये सबक कम से कम 3 मिनट तो पक्का करना। आपको याद किया, बाबा अभी है, रचना का रचयिता भी, रचना के आदि मध्य को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले पहले तो निश्चय कराना, आपको याद करते हो, ये नॉलेज बाप ही देते हैं, ने भी बाप से नॉलेज ली जो आपको देते। पहले पहले ये मंत्र पक्का कराना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे, इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक ये नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। आपके परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए, इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी जाएगा, हमको बाप को याद कर, वही सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है, पहले पहले ये जरूर समझाना चाहिए, अपने को आत्मा समझ माँ एकम, देह के सब संबंध भूल जाओ, ऐसे गाना हूं छोड़ एक बाप को याद कर। पहले पहले तो बुद्धि ये मुख्य बात बिठाओ, वह तो बाप ही पवित्रता सुख शांति वर्षा देने वाला, बाप ही कैरेक्टर सुधारते हैं। बाबा को ख्याल है, अरे कैरेक्टर सुधार रहे ना अभी? है, हाँ जी बाबा। तो बाबा को ख्याल आया, पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं हैं, जो है बिल्कुल जरूरी। जितना ही अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। आपके परिचय में भले 5 मिनट लग जाए, हटना नहीं, बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे कि बाप का चित्र है मुख्य, तो सारी इस चित्र के आगे नहीं होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है,
फिर है रचना की नॉलेज कि ये चक्र के कैसे फिरता है, जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना। तुम ईश्वरीय मिशन हो, तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को न जानने कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है, बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर सुप्रीम गुरु है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी, ये तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ। बाप को याद करना है, तभी तुम पतित से पावन बन सकेंगे, दैवी गुण भी धारण करने, सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है, भी मन मना भव रहे। तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वह बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान उवाच, मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। भी तुम जानते हो, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं, सारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमान। तुम अब बनते हो देही अभिमान, बाप को याद करने वाले। पहले पहले ये पक्का कराओ वह बाप चर गुरु है। हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने, बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है, श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं, ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत है, माम एकम याद करो। सृष्टि का चक्र तो जो समझाते हैं ये भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो, इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं, जरूर थक जाते होंगे। सहज मार्ग है, फट से नहीं बैठना, फल चक्र लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए, उछल उनको आएगी जो दम बाप को याद करते रहेंगे। कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद है उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतींद्रिय सुख हंसता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहे। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन भी है। अतींद्रिय सुख उप गोपियों से पूछ, इनको भगवान बाप पढ़ाते। अनुवाच, मुझे याद करो, आपकी ही महिमा बतानी। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है, सबको सदगति मिलती है जरूर। पहले सब जाएंगे शांति, ये बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है, ये तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती, वह है स्वीट होम, साइलेंस होम, पावर ऑफ साइलेंस। उसको इन आंखों से कोई देख न सके, उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ आंखों से जो चीजें देखते हैं उस पर ही चलती है। आत्मा
आत्माओं को तो इन आंखों से कोई देख न सके, समझ सकते हैं। जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते, ये समझ की बात है ना? इन आंखों से देखा नहीं जाता। भानुवाज मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे, ये किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते, श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते। दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते, भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते, वह अव्यभिचारी भक्ति, फिर लक्ष्मी नारायण की। ऊंचते ऊंच तो है भगवान, वही वर्षा देते हैं ये विष्णु बनने का। तुम शिव वंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते, माला बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं, मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है, जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनसे बुद्धि को घटा देना है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मूंझना नहीं। बाप इस रथ में बैठे उनकी महिमा करते, वह निराकार इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी ये याद दिलाते, तुम मन मना हो रहो, गोया तुम सब पर उपकार करते हो। खाना पकाने वालों को भी कहते हो, शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना, हर एक कुछ न कुछ समय याद कर, कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते, अच्छा 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार कर, ये प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। ही प्यार, बाप प्यार का सागर है तो बच्चों का भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहां भी ऐसा प्यार, राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों को बहुत प्यार होता है, प्यार भी बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम नहीं हार है, वहां ये काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती, इसलिए भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहाँ अर्थात भारत में आकर सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं, मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो तुम चाहते हो भारत पावन हो, अब पतित है तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते। सबको कहते हैं बाप याद करो तो पति से पावन बनाएंगे, ये हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिरताज था, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, वह फिर से बना रहे हैं। जो सिरताज था पीस प्रॉस्पेरिटी थी वही फिर से हम बना रहे हैं श्रीमत पर। कल्प ले मुआफे मामा प्लान अनुसार, ये अक्षर पूरे याद करो। मनुष्य चाहते भी है वर्ल्ड पीस हो तो हम कर रहे हैं। भगवान उवाच, बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं मुझ बाप को याद करो, ये भी बाबा जानते हैं तुम कोई उतना याद नहीं करते हो बाप, इसमें ही मेहनत है, याद से ही हरी कर्मातीत अवस्था आएगी। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, इनका अर्थ भी किसको बुद्धि में नहीं है, शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वो सब भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चल, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। बाप की पढ़ाई है जो साथ चलनी,
उसके लिए कशिश, उसके लिए बाबा कहते हैं बाप की पढ़ाई है जो साथ चले। छोटे छोटे बच्चे कमल समझो, जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझो, ये तो कमाल कर दिखा। उन्हों को भी आप समान बनाना, कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्स दे सके, ऐसी तैयारी करो। फिर जहां जहां सेंटर्स है वहां म्यूजियम हो तो भेज दे, ऐसे ग्रुप तैयार करो। टाइम तो यही है, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियां बैठ समझाए तो कमाल। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, बोलो हम शिव बाबा के बच्चे, निराकार है ब्रह्मा तन में आकर हम पढ़ाते, इस पढ़ाई से ही हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना। सत्युग आदि में इन लक्ष्मी का राज्य था, इन्हों को ऐसा किसने बनाया, जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। बाप बैठ कर्म कर्म की गति सुनाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु। बाप समझाते हैं मूल एक बात पर ही खड़ा कर समझाना है, पहले पहले अलफ अलफ को समझ जाएंगे, फिर इतने प्रश्न आदि कोई पूछेंगे नहीं। अलफ समझने बिगर तुम बाकी और क्षेत्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। पहली बात है अलफ की, पर हम श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अलफ समझ लिया, बाकी ये चित्र आदि क्या देखने के हैं, हमने अलफ को जानने से सब समझ लिया है। भिक्षा मिली ये गया, तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो, परिचय देने से ही बाप को जितना देंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, बाप की रूहानी बच्चों से हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, या बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अतीत के सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे, हट से नहीं रुचि से बाप को चलते फिरते याद को, बुद्धि सब तरफ पर एक मिल का, जैसे बाप प्यार का सागर ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना, सब पर उपकार करना, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। आज का वरदान शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की, जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव कराते हैं। सेवा के साथ से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है, यानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत बना सकते, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। इसका सुमान और अभ्यास करने के लिए मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। आप सबको अपनी प्राप्ति के आधार से, याद के आधार से भी बनकर दूसरों को अनुभव कराना, यही है वास्तविक सहज राजयोग या कर्मयोग की परिभाषा।
स्वयं प्रति शांति या शक्ति का अनुभव किया, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने याद की शक्ति द्वारा अब विश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाओ, तब कहेंगे नंबर वन सहज राजयोगी कर्मयोगी। हाँ कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, मित्र भाव, निर्माण भाव, बलवाणी। आज का नया दिन सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।